दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है पिछले कुछ दिनों से सीईटी के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और बीच एक पिछले वीक में महाराष्ट्र सीईटी जो लॉ के लिए ली जाती है उसका भी रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोग अपना एलएलबी का एडमिशन कन्फर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तो एडमिशन लेने के लिए लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। कहाँ से एडमिशन ले, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज लॉ के लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज थ्री इयर्स एलएलबी के लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज 5 इयर्स एलएलबी के लिए अच्छा है, ये सारे सवाल हैं और इस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस प्रकार के सवाल के सभी जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के वो टॉप 10 लॉ कॉलेजेस जहाँ से हर कोई एमबीए करना चाहता है, सॉरी एलएलबी करना चाहता है, एक्सटेम्पररी सॉरी एलएलबी करना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे उस 10 कॉलेजेस की जहाँ से हर कोई एलएलबी करना चाहता है। तो ये हैं महाराष्ट्र के वो 10 कॉलेजेस जो वेरी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, जहाँ से हर कोई लॉ कॉलेज और लॉ और एलएलबी कंप्लीट करना चाहता है और अपना एडवोकेट का करियर शुरू करना चाहता है। तो आज की बात है लॉ कॉलेज के बारे में। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल है उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल में नए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है एकेडमिक इनसाइट्स, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो वहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस प्रकार की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलती रहेंगी। और साथ ही में देखते हैं हम वो 10 कॉलेजेस जहाँ से हर कोई करना चाहता है लॉ, और ये है महाराष्ट्र के वो 10 कॉलेजेस जहाँ से हर कोई अपना लॉ कंप्लीट करना चाहता है। पहली पोजिशन पर है ILS लॉ कॉलेज, जो महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे अच्छा कैंपस वाला कॉलेज है, जिसको बोलते हैं हम ILS लॉ कॉलेज, जो पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है सेकंड पोजीशन पे सिम्बायोसिस सोसाइटीज लॉ कॉलेज, वो भी पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि पुणे को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोलते हैं और मराठी में बोलते हैं विद्याचे माहेरघर। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो सेकंड पोजीशन पे है सिम्बायोसिस सोसाइटीज लॉ कॉलेज, जो पुणे में है। तीसरा कॉलेज है भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज, वो भी पुणे में ही है और ये काफ़ी अच्छा कॉलेजेस है। उसके बाद यहाँ पे गलती से गुजरात वाला कॉलेज आ गया है, आगे ही गया तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का गांधीनगर में कॉलेज है, वो भी काफ़ी अच्छा है। गलती से ये महाराष्ट्र की लिस्ट में इंक्लूड हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गुजरात का ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है लॉ का, जहाँ से लोग लॉ करना चाहते हैं। पांचवी पोजीशन में जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक लॉ कॉलेज है जो मुंबई में है, वो भी पांचवी पोजीशन में आता है और काफ़ी तगड़ा कॉलेज है लॉ के लिए। उसके बाद आता है छठी पोजीशन पे रिजवी लॉ कॉलेज, जो मुंबई में ही है और ये भी काफ़ी अच्छा लॉ के लिए माना जाता है। उसके बाद सातवीं पोजीशन पर है KC लॉ कॉलेज, जो मुंबई में है और ये भी आप काफ़ी अच्छा लॉ के लिए कॉलेज माना जाता है। आठवीं पोजीशन पे है MP लॉ कॉलेज, जो औरंगाबाद में आता है, मराठवाड़ा रीजन का ये काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लॉ के लिए फेमस है और वो 10 कॉलेजेस में शामिल है, काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है मराठवाड़ा रीजन के लिए। नाइन्थ पोजीशन पे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न लॉ कॉलेज, जो पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में आता है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जैसे कि मैंने बोला, पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 में से 4 कॉलेज तो पुणे में ही है और आखिरी कॉलेज जो है ठाणे में, जिसका नाम है VPMs ठाणे म्यूनसिपल काउंसिल्स लॉ कॉलेज, वो ठाणे में आता है। तो ये है महाराष्ट्र के टॉप 10 लॉ कॉलेजेस जहाँ से हर कोई लॉ करना चाहता है। मुझे लगता है आप इस वीडियो के दौरान समझ गए होगी कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। अगर आपको इस 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो कहाँ पे लेना पसंद करेंगे, वो आपकी बात है, आपका डिसीजन है। ये जो मैंने बोला है ये मेरा पर्सनल व्यू है इन कॉलेजेस के बारे में और ये रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो
आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसको प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में वीडियो आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और सबसे बड़ी बात, आपकी कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस प्रकार के वीडियोज़ को और भी बेहतरीन बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आने वाली वीडियोज़ के लिए वेट करते रहो, और अच्छा वीडियो लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।